श्री साईराम. सो डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम सेंडिंग अ वर्कशीट्स रिलेटेड टू 12 आवर्स टू 24 आवर्स क्लॉक. बेटे देखो, आपने इसको ध्यान से देखना है. इसके आपको भी आंसर कीज भी शेयर करूँगी. आपने इसको डायरेक्टली अपनी ना नोफियर नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है. ये बुक वर्क नहीं है, ये बुक से हटकर है. कि ऐसे 12 आवर्स मैंने आपको उसने बताया था कि 12 आवर्स और 24 आवर्स में क्या डिफरेंस है. 12 आवर्स दैट इज़ जिसमें AM और PM आता है, उसमें टाइम जो हमारे डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं. जैसे हम कहते हैं सुबह के 7 o'clock, रात के सेवन, शाम के 7 PM, ऐसे होता है ना. 4 सुबह भी होते हैं, 4 इवनिंग में भी होते हैं. ऐसे 12 भी 2 टाइम आता है, हर डिजिट 2 टाइम आता है. बट अगर हम 24 की बात करें, उसमें कोई भी डिजिट 2 टाइम नहीं आते हैं. उसमें अगर हम दोपहर की बात करें ना, नून, तो नून के बाद अगर हम 1 PM बोलेंगे तो उसको हम 12 में 1 ऐड कर देंगे, मीन 13. ऐसे 2 होगा तो क्या होगा, 2 ऐड कर देंगे तो 14, 15, 16, 17. उसमें ऐसे होता है, उसमें AM PM नहीं होता, उसमें हमेशा 4 डिजिट्स में लिखते हैं, ठीक है. तो हमने अभी बुक में भी उसी से रिलेटेड काम किया था कि 24 आवर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है. हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस पे, टिकट्स में, बस की टिकट बुकिंग जो टिकट्स है, या एयर टिकट्स है वहाँ पे, ठीक है. आपके मोबाइल में भी देखो ऑप्शन होता है एक 12 आवर्स का, 24 आवर्स का. आप उसको करके भी देख सकते हो. 24 आवर्स मीन वो टाइम फिर आपका 12, 13, 14 में आएगा. तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे अगर उसमें 13, 14 आ रहा हो तो वो आपका टाइम चेंज हो चुका है आफ्टर 12 नून के बाद का टाइम है, ठीक है बेटा. तो इसी से रिलेटेड आपको मैं इस जैसे ये देखो, फर्स्ट आपका ये ए पार्ट है इसका, कन्वर्ट ईच टाइम फ्रॉम 12 आवर्स टू 24 क्लॉक. तो इसमें आपने 24 बनाना. एक और बात, जो AM होता है वो कभी चेंज नहीं होता है. चेंज कहाँ होता है, जहाँ पे PM लिखा होगा. AM में तो दोनों में टाइम सेम रहता है, चाहे वो आपका 12 आवर्स है चाहे वो 24 आवर्स है, ठीक है बेटा. गॉट इट. तो देखिए बेटा, इसी की मैंने आपको ये आंसर की है जिसमें रेड कलर से लिखा हुआ ये सारे आंसर्स है. ध्यान से देखना इनको. तो इसके बी पार्ट में भी लिखा है ना, रीड ईच एनालॉग क्लॉक एंड राइट द टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट. वो तो आपको पता है, जो सारे एनालॉग क्लॉक है ना, दीज आर नॉट अ डिजिटल क्लॉक, दीज आर एनालॉग क्लॉक. तो बेटा आपने आराम से बैठना है, इसको करने से पहले एक बार ना देखना है, समझना है कि मुझे आता है, उसके बाद करना है. नहीं यार, तो वैसे हम दोबारा से इसको फिर एक बार में मुझे बता देना, मैं आपको अगेन करवा दूँगी, ठीक है बेटा जी. जो मैंने पीछे आपसे क्वेश्चन शेयर किए उन सभी के जी आंसर्स हैं, ओके. देन दिस इज मैच द टाइम्स. इधर 24 आवर्स लिखा है, उसकी राइट साइड में 12 आवर्स क्लॉक है. तो आपने इसको मैच करना है. देखो 10 है, मैचिंग वाले हैं, जो भी इसके आंसर मैं आपको शेयर कर दूँगी. लुक एट हेयर, ये देखो आंसर जो मैंने आपको मैचिंग वाले शेयर कर दिए हैं, वही बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. प्लीज़ करने से पहले इसको एक बार गो थ्रू जरूर करना, देखना कि मुझे कितना आ रहा है, ओके. देन राइट ईच टाइम इन 24 आवर क्लॉक नोटेशन, ठीक है. इधर 12 आ रहा है तो 24 में करना आपने. ऐसे बी में भी ऐसी है, 24 से 12 है, उधर ऊपर 12 से 24 है, ओके. तो इसकी भी मैं आपको अभी आंसर की शेयर कर दूंगी. लुक एट हेयर, AM PM को हमने सिंपल 24 आवर्स क्लॉक में लिखा है, एंड 24 को हमने AM और PM. अगर हमने 12 में बदलेंगे तो हम AM और PM करेंगे, ठीक है. तो आपने इसके होमवर्क को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर सा, और फिर मुझे ब्यूटीफुली नोट डाउन करके सेंड करना है, ठीक है बेटा जी. सो टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ठीक है बेटा जी. साईराम.